मध्य प्रदेश के हरदा नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्याऊ लगाकर जल सेवा का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हरदा में बलराम चौक पर प्याऊ लगाया। प्याऊ का शुभारंभ पूर्व राजस्व मंत्री माननीय श्री कमल जी पटेल ने किया एवं युवा मोर्चा से ऐसे सराहनीय कार्य करते रहने का आह्वान किया। आने वाले दिनों में हरदा में अलग अलग जगह पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में प्याऊ लगाए जाएंगे। इस मौके पर युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जीवन भाई गोलिया, नगर पालिका पार्षद लक्ष्मी नारायण पटेल, हिमांशु सावरे, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विनोद गुर्जर, उपाध्यक्ष नंद किशोर रात्रे, शशांक बाडर, नगर मंत्री सुयोग सोनी, राकेश पाठक, अमन बेड़ा, नवीन पाल, बलराम सोडे, सौरभ परिहार, बीजू लाठी, राम कुमार देवहारे, गौरव तिवारी, आनंद निम्बीवाल, अर्जुन राठौड़, प्रकाश ठाकुर एवं समस्त युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तो गर्मी में हरदा शहर में गांव के लोग भी आते हैं, आम नागरिक भी आता है, महिलाएं भी, बच्चे भी जाते हैं स्कूल। और जब प्यास लगती है तो पानी के लिए वो ढूंढ रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चे ने आज ये भगवान बलराम चौक है यहाँ और श्री बलराम जी के नाम से जय बलराम प्याऊ का शुभारम्भ किया गया अभी। और ताकि जो भी यहाँ आएगा निकलेगा, आज बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, वो यहाँ से निकलेगा तो पानी या छाँव भी है, यहाँ रुक के ठंडा पेयजल पीकर अपने प्यास बुझाएगा। और यह सेवा का कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक तरफ अब राजनीति करते हैं, चुनाव के समय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक सामाजिक काम भी भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा युवा के मन में समाज सेवा की भावनाएं आए और इसलिए एक समाज सेवा का काम भारतीय जनता युवा मोर्चे ने हरदा में शुरू। देखिए इस देश की शक्ति, किसी भी देश की शक्ति युवा होते हैं। और जिस देश के युवा स्वाभिमानी हो, पुरुषार्थी हो, चरित्रवान और देशभक्त और समाज सेवक हो, और अगर वो समाज के लिए कार्य करना चाहे तो प्रेरणा मिलती जाए उनको, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर परिवर्तन आ सकता है। और 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के हृदय सम्राट थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाली 21वीं सदी भारत की होगी। और निश्चित रूप से इस देश के युवाओं ने वो परिवर्तन किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी। और युवा समाज सेवा के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो समाज और देश के लिए जिए उसका जीवन धन्य होता है, उसका जीवन सफल होता है। और निश्चित रूप से जो ये युवा शक्ति है वो आज अच्छे कार्य के लिए, रचनात्मक काम है, सेवा का कार्य है, और हाथ में लिया उन्होंने। अभी तो एक प्याऊ का शुभारंभ, लेकिन हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी, सिर्फ हरदा ही नहीं, खिड़किया में भी, हंडिया में भी, और जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ सब भारतीय जनता युवा मोर्चे के माध्यम से किए। अभी तो मनुष्य के लिए, लेकिन धीरे धीरे पक्षियों के लिए भी अपने अपने घरों पर बर्तन रखे, पेड़ों के नीचे, छत के ऊपर, ताकि चिड़िया पशु पक्षी भी वो पानी पी सके।